हमारी शहर से गुजर रहे हैं। स्मगलरों की लाशें खून ही में नहीं भीगती बल्कि उनके चेहरों पर थूका भी जाता है। तुमने मेरे चेहरे पर थूक कर और मुझे जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया बबरक। बबरक जब तक जिंदा है मेरे वतन के ये दुश्मन अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सोना, ये हीरे, ये जवाहर, ये तमाम दौलत मेरे वतन की अमानत है साहब, और ये बबरक के जीते जी मेरे वतन की सरहद से उस पार नहीं जा सकते। बबरक हम भी इसीलिए बेफिक्र हैं, जब तक उस इलाके में बबरक मौजूद है वहां पुलिस चौकी की जरूरत नहीं, अब कोई स्मगलर उस तरफ से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। एक बार नहीं, बार बार हमारे रास्ते की दीवार बने रहो। इस दीवार को तोड़ने के लिए हमने भी जाने गवाई और तुम्हारे रूप में खड़ी दीवार में भी शराब पड़े हैं। बहुत दिनों से ये जंग जारी थी और जारी ही रहती, लेकिन इस जंग में तुमने मेरे सीने पर घाव लगाकर नहीं, मेरे चेहरे पर थूक कर मुझे शिकस्त देने की कोशिश की है। मुझे जिल्लतों के समंदर में डबोना चाहा तुमने, लेकिन मैं नहीं डूबूंगा। मैं इस जिल्लत का जवाब बनूंगा। मेरे जवाब के लिए तैयार हो जाओ बबरक, तैयार हो जाओ। माली तू भी आजा, माली इधर आ, सोने इधर आ, डूब जा। अरे जॉनी, हाँ डरता क्यों है? अरे बबरक का बेटा होके डरता है। बोले जा, 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 ब
लबी जो चमक लपक जुम दम दम तिक तिंग लम जा बाबा ती कम बाबा ती का तो पवन लबीला तक जुम दिन तक तिक जुम दिन तक तक दिन 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 तक तक गंजा कौन मैं पहचाना नहीं मैं हूँ तुम्हारा दोस्त जो जो हाँ मैं अरे अरे जो जो तूने ये हुलिया हमने खुद ही बनाया ये हमारा गोला गंडा चाइनी लोग ने बनाया मैन अरे वहां कहां मर गया था तू बहन तुमने डूबते जहाज में से हमको बचा लिया और हमारा फैमिली को नहीं बचा सका उसी फैमिली का लाश ढूंढने उधर जाता हूँ रास्ते में आदमखोर कबीला पड़ता है उधर से गुजरने का वास्ते में ऐसा बनने को सकता तुमने पूछा नहीं मैन हम ऐसा काय को बना ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है आज हमने आदमखोर कबीले में खाना खाया मैन उस लोग ने आज एक डिस्को डांसर पकाया तुम्हारे प्यार में जो मजा है मजा कुछ नया नया है बंद करो बंद करो ये बताओ समंदर से तुम्हारी बीवी की लाश मिली मैन इस तरह समंदर का किरदार भी ठीक नहीं है क्या हुआ 40 औरत इसके अंदर गिरा इसने एक औरत बाहर नहीं फेंका एक लाश बाहर फेंका वो भी हमारा सास का लाश अच्छा हम उसका हाथ से चूड़ी उतारा और उसको दोबारा समंदर में फेंक दिया अरे ये क्यों किया लाश भी को रखने वाला चीज है और वो भी हमारा सास का लाश भूत बन गया तो कौन दिन मजाक उड़ा था मैन इस घर में सिर्फ एक हस्ती ऐसा है जिसको हमारे दुख दर्द का मालूम और पता वो कौन वो है तुम्हारा बहन नीली तो नीली है कहां दुल्हन की तरह सच के तू जाती किधर है ए, नीली तो एकदम लाल गुरे चल गई है सर मैम तुम कुछ देखा क्या यही कि नीली रोजाना लाल मुंह करके जाती है अगर उसके लाल मुंह से हमारा मुंह काला हो गया इस चीज का ध्यान रखने को है नीली अभी जवान हो गई है और जमाना बहुत खराब है मैम नीली बब्रक की बहन है कोई उसकी तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता कितने दिन हो गए हमें मिलते हुए आज तक न तुमने मेरा नाम पूछा न अपना नाम बताया कोई बात करो ना तुम बोल नहीं सकती क्या बोल नहीं सकती तो क्या हुआ तुम्हारी आंखें उस सब कुछ कह देती हैं जो तुम जुबान से नहीं कह सकती अगर मैं तुम्हारी पहली चाहत हूं तुम भी मेरी पहली मोहब्बत हो नीली
क्या बात? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ नीली को? नीली माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? क्या कह रही है तू? ठीक है नहीं। अब बहुत देख गया है और कुछ हो भी नहीं सकता। छोड़ पापा, मुझे छोड़ दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे पापा, बता दे किसका गुनाह तेरे पेट में बन रहा है, बता दे। अरे बता दे, बता दे क्यों नहीं? पहले उसका नाम बता दे, बता दे। एक बात सुन बेटा, मेरी बात तो सुन। छोड़ दे बाबा, मुझे छोड़ दे। अगर इसे मार दिया इसके लाश पर सवाल बन जाएगी। किसको जवाब देना पड़ेगा? इसे क्यों मार दिया? किस लिए मार दिया? लेकिन उसका जीना भी तो हमारी मौत है। जुल्लत क्यों है? जानता हूं बेटा, जानता हूं। इधर आ, इधर आ बेटा, इधर आ बेटा, इधर आ। बेटा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं नीले को छुपा कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा और उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक उसका गुनाह उसके वजूद से अलग नहीं हो जाता। और बेटा, इस तरह हम उसके गुनाहगार को भी पकड़ लेंगे। यही तो हम चाहते थे, बबरक नदामत का बोझ न उठा सके, जंगल का बादशाह घर में कैद हो जाए। और वो हो गया। अब तुम आसानी के साथ सरहद पार मार ले जा सकते हो। अगर उस लड़की ने सब बता दिया तो? नंबर वन, उस लड़की के पास बताने के लिए जबान नहीं। नंबर टू, वो जानती है अगर उस लड़की ने मेरा नाम अपने बाप और भाई को बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जबकि मेरी जिंदगी उसे अपनी जान से भी प्यारी है। आह बेचारी नीली, सारी जिंदगी मेरे लिए और अपने पेट में पलने वाले मेरे गुनाह के लिए रोती रहेगी, तड़पती रहेगी।
लाशों को जंगल में फेंक दो। इस बच्चे का क्या करें सर? इसे भी इनके साथ फेंक दो। मेरे इस गुना की जिंदगी अबरी की मौत है। शेर का बच्चा है, चितौरा को हरा तो नहीं सका लेकिन खुद भी नहीं हारा। उसकी जगह कोई और होता तो टूट कर खाक में मिल गया होता, लेकिन वो एक अब तक जंग लड़ रहा है हमारे साथ। लेकिन कब तक चितौरा साहब? एक ना एक दिन तो उसे आपके कदमों में झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है डोना,
बबरक अब अकेला नहीं, उसकी ताकत दुगनी नहीं तिगनी हो गई है। अकेला तो वो पहले भी नहीं था, साथी तो उसके साथ बहुत थे, लेकिन बबरक अकेला था। अब तीन बबरक हो गए, एक वो खुद, दो उसके जवान बेटे। बात करता है समझता नहीं, पर इंतजार कर रही होगी। अबे कौन इंतजार कर रही होगी?
अरे वही भिनक भिनक भिनतारा क्या खूबसूरत मौसम है, काले काले कपड़े, काले काले बादल। यहाँ क्यों ले आई हूँ? मुझे प्यार करने के लिए, और वैसे भी प्यार करने के लिए कोई खूबसूरत जगह तो चाहिए। ये जगह कई दिनों से मेरी नजरों में थी। तारा, आज जी भर के प्यार होगा। प्यार करने को जी मेरा भी चाहता है, लेकिन वो चाचा। अरे उस चाचा और उसके बॉडीगार्ड के लिए अपना जॉनी काफी है। हाँ जिसकी तू हम शक्ल है।
तेरी माँ को तेरे बाप ने अपनी हविष का निशाना बनाया था। प्रकृति थी उसने तेरी माँ की। तू अपनी माँ को दिए जाने वाले धोखे का पोसिया थप्पा है, जिसको मिटाने के वास्ते तेरे नाना ने मेरे को एक बहुत बड़ा लाकेट देकर बोला, मैं तेरे को खत्म कर दू, मार दू तेरे को, पर मेरे को तेरे मासूम चेहरे में अपने बहन का चेहरा नजर आया, मैं तेरे को खत्म नहीं कर सका, बल्कि मौत के मुंह से बचाकर इधर ले आया मैं। को गम करती है, मैं हूं ना तेरा, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा सब कुछ हूं मैं, अब तू सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी बेटी है सिर्फ तू। पूरा
कस्बे में ढूंढता हूं और तू? आए काला दो दो लंबी छोकरा, ये कौन है? जोनी, अबे जोनी चाचा, जोनी चाचा, अभी ये छिछोरापन बंद करके मेरे को बताओ तुमको मिलना किससे अपना छोकरा? अरे चाचा हम वही छोकरा लोग हैं जिनका तुम सोते में छोड़ के भाग गया था, क्यों? अच्छा ये ठीक कहता है, हम बाबर का बेटा है। अच्छा बाबर बाबर, हम किसी बाबरक बाबरक को नहीं जानता। अरे चाचा मैं जो ना टॉनी हूँ और ये जॉनी है साला। ये देख ये देख ये देख, अरे साला बबरक कंपनी का ट्रेडमार्क टॉनी। अरे मेरा टॉनी चाचा। छोटा लोग तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। हमको भी हुआ। क्या वक्त था जब तुम्हारा फादर और मैं दोनों दोस्त बहुत याद आता है बबरक मेरे को, कैसा है मेरा यार? अरे चाचा बाबा भी तुमको दिन रात याद करता रहता है। अच्छा याद करता है? और बहुत याद करता है। तुम चलो ना उसके पास। मैं जाने को नहीं सकता है। क्यों? अरे ये बेबी है ना, ये मेरे पांव की जंजीर बन गई है छोकरी, मैं तो जाने को नहीं सकता। चाचा चलो ना। मैं सर एक दफा बोल दिया, हजार दफा बोल दिया, नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तुम सामने आके मुंह पे बात करो। अब जाएगा कैसे? बेटा जो उठाने की चीज है वो उठा नहीं रहे हो, जो फेंकने की चीज है वो उठा रहे हो। अरे आजकल का जमाने है बच्चा, अल्लाह तेरे को मालूम नहीं था ऐसी उठाई गिरी निकलेगी। मेरे को फेंकना तो ऐसे घर में फेंकना जहाँ पीस अच्छा हो। अरे चाचा यहाँ पीस तो नहीं है मगर ये घर बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, पहले तो मेरे को पप्पी दे, मैं अपना मुंह खराब करूंगा। भाभी कितनी बड़ी हो गई भाभी। अच्छा जो पहले तुम हमको ये बताओ तुम अचानक कहां गायब हो गया था? मैंने तुम्हें जा मारा भाभी। मेरा बहन था नहीं, बहन तो मेरी जरूरत पड़ गई तो मैं उधर मिलने चला गया था। किसका बहन? किसका बहन? मैं तेरे को जिक्र करना भूल गया था बबरक, मेरा बहन था। जब मैं उसको मिलने गया नहीं तो वो मेरा गोद में एक बच्ची को डालकर गॉड का पास चला गया और वही बच्ची मेरे को आज दिन तक आने का मौका नहीं दिया। कहाँ है वो बच्ची? अरे मित्र को मिलाना भूल गया वो देख। इतने दिनों के बाद दोस्त मिला है, पुराने दोस्तों से इस तरह मिलते हैं मैम? जो जो तुम्हारी इस भांजी की सूरत देखकर पुराने जख्मों से फिर लहू रिसने लगा है, यह ख्याल बिजली बनकर दिल पर गिरा है कि बिजली की सूरत रखने वाली यह लड़के कहीं दिल्ली के वजूद का हिस्सा तो नहीं, लेकिन फिर याद आता है कि इस बच्ची को तो बाबा ने मरने से पहले ही खत्म कर दिया था।
तुम नीलू को अभी तक भूला नहीं मैन। उसे भूलना तो मेरे बस में है जो जो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता जो नीलू की इज्जत और मेरे पापा का कातिल है। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं अपने हम देखे दुश्मन को। Hello, Jerry. Oh, my darling. Oh, Papa. Oh, my darling. Very good, very good. सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? You enjoy? Wonderful. Oh, I see. आओ, आओ. वाली देखकर बहुत मजा आया पापा, आई रियली एंजॉय। और हाँ, आने से दो रोज पहले तुमने $20,000 मिलाए थे जो? किसी ने मुझसे पैसे हाथ गए थे, वापिस करना था पापा। जब जीतती नहीं तो खेलती क्यों है मेरे बेटे? जीतने के लिए कब खेलती हूँ पापा, अपने बड़े बाप की शान देखने के लिए हारती हूँ। इसलिए कि दुश्मन बढ़ गए बेटा। पापा आपके किसी दुश्मन है? मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मेरी दौलत के साथ सबको दुश्मनी है। कौन? जब से मम्मी की डेथ हुई है पापा, इस पल मिलकर मैं उदास हो जाती हूँ। कितनी दौलत है हमारे पास, कहने को मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं जैसी चीज सब कुछ देकर भी हासिल नहीं कर सकती। उसे मेरे आने की खबर नहीं है क्या? उसे ब्रेक डांस के सिवा किसी की खबर नहीं। ये कहाँ हो? वो बाहर वाले कैसल में। मैं भी वहाँ जाऊंगी पापा। बेटा तुम हांगकांग से थकी हुई आई हो, वहाँ कैसे जाओगी? पापा मैंने कह दिया ना कि मैं जाऊंगी, और आपको पता है जब मैं कहती हूँ मैं जाऊंगी तो फिर मैं जाती हूँ। ओके माय डार्लिंग एज यू विश। प्लीज इन्फॉर्म मत करना। यस सर, हमारे इस कैसल में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे देखकर चेरी को मेरी और अपने डैडी की असलियत का पता चल सके। क्या हुआ? कांता, कांता चुप गया, निकाल दो ना। क्या हुआ, तकलीफ हुई? हाँ, मीठी मीठी। सुना था पहली नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ऐसे लगता है जैसे। ए, ये क्या चक्कर चला रही है? ये जबरदस्ती की मोहब्बत ठीक नहीं है वैसे। ये दिल का मामला है जॉनी, कोई पैर में छुपा कांटा नहीं, इसको तुमने निकाल दिया। जो कांटा मेरे दिल में छुपा है तुम्हारे प्यार का है, और इसे मैं कभी नहीं निकालने दूंगी, क्योंकि इसकी मीठी मीठी चुभन मुझे बहुत अच्छी लगती है।
मैंने दाल में कुछ काला देखा, कितनी इशारे कर रही थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उन दोनों में से कौन जाग रहा था, जॉनी या टॉनी। लेकिन मैंने भी तुम्हारी भांजी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। ओ मैम, तुम सच बोला? सच। ओ थैंक्स गॉड। लेकिन अभी मैं ये फैसला नहीं कर पाया कि किन्नी की जोड़ी किसके साथ सजेगी, जॉनी के साथ या टॉनी के साथ। अगर तुम बोले तो हम एक बात बोले। बोलो बोलो। हमारे ख्याल में किन्नी का जोड़ी सजेगा जॉनी के साथ, एकदम जमेगा बराबर। अरे तूने तो मेरे दिल की बात कह दी जोजो। मेरा भी यही ख्याल है कि किन्नी की जोड़ी जॉनी ही के साथ सजेगी। ये तुम घूम करके क्या देख रहे हो? यही कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सोचती हूँ। क्या मतलब? मामा और बाबा कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ बहुत सोचते हो। जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा है तो वो तुम हो, और मैं अपने आखिरी सांस लेते हुए किसी को चाहूंगी तो ये तुम होगे। जिंदगी के सफर के दौरान किसी ने मुझसे मेरी चाहत छीनने की कोशिश की तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी। तुम आखिर चीज क्या हो? दिल के मामले में बहुत बुरी चीज हूं। दिल में आई हूं मैं नफरत बांटती हूं, मैं मोहब्बत। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। मेरी नफरत किसी और के हिस्से में आई है। वो खुशनसीब कौन है? जिस दिन वो सामने आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिलहाल तुम अपने बारे में सुन लो। मेरी चाहत तुम हो, मेरी पसंद तुम हो, तुम्हें प्यार करने का हक मेरा है। यार ये अजीब लड़की है तिनी। क्यों? जब इसे देखकर मेरे दिल की कुंडी नहीं खड़कती हाँ, तो ये जबरदस्ती मेरे दिल की कुंडी क्यों खड़काना चाहती है? अबे बावले भूत, अगर ये लड़की भी तेरे दिल की कुंडी नहीं खड़का सकती आए तो क्या वो खड़काएगी? भाई नहीं भाई नहीं यार जॉनी, बात तो बता, तुझे किस किस्म की लड़की पसंद है? मुझे तो सफेद रंग की लड़की पसंद ही नहीं। तो नहीं, मुझे लड़की पसंद है तो सिर्फ नमकीन सी, सांवली सी। अबे ढामर, तुझे ऐसी लड़की मिलेगी कहां से हैं? अरे जानता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर पता है मेरे दिल की कुंडी खड़काने वाली एक न एक दिन आएगी जरूर। बनती ना तुम कि मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे कैसल का रास्ता पता है, फिर ना पता है। अभी कोई जंगली जानवर निकलेगा तुझे खा जाएगा, इडियट। ओ माय गॉड, ये कौन सा जानवर है? Thank you.
जोर से खड़कियों की शक्ति कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यही वो जिसका तुझे इंतजार था, यही का पट्टा हूँ। देखिए ना, जो हरण सुनने के लिए मेरे कान तरसते थे वो हरण बचता रहा और मेरे सुनेरे। अरे जिसको देखने के लिए आंखें बची हुई थी तो वो आंखें मेरे सामने और मैंने देखा नहीं। ची, 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 ची। अरे जिन होठों को पाने के लिए होठ चल रहे थे वो होठ मेरे सामने और मैं देखो जी, वो तुम्हें शरीफ आदमी समझती थी इसलिए गाड़ी रोक के सिंधौला कासी का रास्ता पूछना चाह रहे थे। सिंड्रेला कासिल वो तो बिल्कुल सामने ना, आप उल्टे आप मुड़ के फिर सीधा जाइए सामने सिंड्रेला कासिल है। मगर आप कहाँ चाहिए, मेरा मतलब है कि आप कहाँ रहती है जी? जी क्यों पहाड़ी है ना, वहाँ पर वहाँ जाके देखो। अच्छा 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 वो सामने। मेरे दिल की कुंडली खड़काने वाली है, अब तुम उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। दग दग दिल धड़के, दिल की कुंडली खड़के, जाने मुझे क्या हो गया तेरे वर्गा वाला, मुझे गुमराह कर दिया। ये निशानी है। किसकी निशानी? ये निशानी उसकी है जिसने मेरे दिल की कुंडी खड़काई है। अरे इधर ना, जला दूंगी की बच्ची जला दे। जानी मुझसे नहीं छीन पाओगे। अरे कैसे नहीं छीन पाओगे, लाओ। ये हाथ औरत की जमीन है लेकिन मैं चाहत उसकी मोहब्बत की। अरे तेरी चाहत और तेरी मोहब्बत की ऐसी किस पैसे लाइजा दे रुमाल। अरे रुमाल कैसे जला के राख कर दूंगी अभी चाहिए। हाँ तो छोड़ मेरा हाथ बाबा। अरे इधर ला देगा लाओ रुमाल दे दो। दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं देगी, हाथ काट कर ले जाऊंगा। ए जोनी, अब लड़कियों से कुश्ती लड़ेगा तू? बाबा रुमाल नहीं छोड़ रही, मैं क्या करूं? छोड़ दे बेटी। प्यार कैसे कर सकते हैं?
अपने बाप को देख सकती है। देखो चेरी, अब मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं। क्यों? और ये भी नहीं पता, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन आपस में मिले तो सुहाग रात को नींद नहीं चढ़ता। आर यू क्रेजी? मैं तुमसे शादी करूं? क्यों, मुझमें ऐसी कौन सी कमी है? तुमने बहुत बड़ी कमी है। हाय अंकल। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप किस लिए आए? इसलिए हैं बेटे कि तुम्हें फौरन शहर जाना है। क्यों? बात यह है बेटे की इमरजेंसी है, मेरे कुछ गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं और वो यहीं ठहरेंगे। ओके पापा, मैं कल चली जाऊंगी। नो, कल नहीं, आज और इसी वक्त। ओ नो पापा। ओ माय डार्लिंग, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज। अभी हजामत करता हूँ तेरी। बोले तू किससे मिलना है? शर्म नहीं आती तुझे? क्यों दे रहा है हमारे चौकीदार को धक्के पे धक्का? बताता क्यों नहीं? बोल रही है किससे मिलना है तुझे? अबे मुझे जिससे मिलना है ना, उसकी कमर है पतली, होंठ है गुलाबी और आंखें हैं शरबती। ये तो हूं बहन। क्या था तुम पोलो के मान? पोलो के बच्चे, मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है। बदान को लगाम दे, बेलगाम घोड़े, मेरी कोई बहन नहीं। अबे जो शहर से आई है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओ चोरी, वो शहर चली गई। शहर चली गई? वो ऐसा है कि मेहमान जो आए हुए हैं।
और ये फन सीख कर आएंगे। बोल बोल। अरे तुम्हें, अबे क्या है? अरे ये लड़की कौन? अरे ये वही लड़की जिससे मेरे दिल की कुंडी खड़काई थी। अबे नहीं। हाँ यार, वो निकल गई यार। अबे ये तो बहुत दूर निकल गई। चल छोड़ यार, आ जा यार। तो दिल की कुंडी धक आए धक्का क्या होगा यार? अबे छोड़ ना यार। अरे टोनी, यार टोनी वो देख यार। अरे उठ यार, आप पटपटी चालू कर, बैठ जा बैठ जा। मैं दिल की कुंडियां ठीक करता हूँ, मेन साहब ने बुलाया। ओ, ओके, पहले क्यों नहीं बताया? मेन साहब, मेन साहब, मेरी एक बात सुन गई। क्या बात? मेन साहब, आप तो मेरे दिल की कुंडी खड़काकर शहर आ गए, लेकिन मैं आपको एक पल भी नहीं भूला। मैंने सारी सारी रात आपके रुमाल से बातें की है। मेन साहब, मैं आपसे इश्क करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। तुम्हारे इस दिन घर में घुसने और हम तक पहुंचने में तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। उधर देखो, इस वक्त इतनी गोलियां बरसाओ कि इसका बदन पीटी पीटी हो जाए। डोंट फायर, आई से डोंट फायर। ये कौन है? ये पुलिस वाले, इनकी बात मान लो। तुम्हें मकाती और यहां पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनकी बात मान लो ना, लेकिन मकाती और आपके मुआवजे से डर कर नहीं, आपके कहने पर मेरे साथ मेरा इंतजार करना, मैं फिर आऊंगा। तुम्हें अफसोस हुआ होगा कि तुम मुझ पर गोलियां नहीं चला सके। मैं फिर आऊंगा, तुम अपने दिल की हसरत पूरी कर लेना। भाई भैया, कान तो चुपो। मेरा भाई कहां? He's in jail. Hey you, come on, sit in the car. Hey,
इवनिंग इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी मुझे फोन किया था, मैं आ गया हूँ। मेरा नाम वीरा सिंह है। हाँ, आपका नाम वीरा सिंह है? वीरा सिंह, चाचा वीरा सिंह। अबे वही बाबा के खत वाला। खत वाला? हाँ। अरे चाचा वीरा सिंह। अजी मैंने फोन पर सारी बातें सुनी थी और ये इन दोनों का जमानत नाम है। मैं ना ठीक है, देख लेता हूँ। अरे चाचा वीरा सिंह। अबे चाची किधर है? वो दूसरी की तैयारी में। तुम सुना मेरा यार बबर कैसा है और किचन कैसी है? चमक, आप इधर आइए। जी सर इन दोनों की जमानत आप दे रहे हैं? जी हाँ, मैं इन दोनों की जमानत दे रहा हूँ। जी मैं ठीक है, मैं आपकी जमानत मंजूर करता हूँ, लेकिन इन दोनों को समझा दीजिए कि ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर आइंदा किया तो मैं इन दोनों को अंदर कर दूंगा और फिर कभी नहीं चलूंगा। आप इधर अगर आइंदा किसी पुलिस वाले को कहीं भी पैसा नहीं लगेगा। सामान उठा यार, चले। सलाम साहब। सुनो चाचा, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए। कसम अल्लाह की थोड़ी देर और हो जाती ना तो हमारी जगह वो पुलिस वाले मुर्गा बने होते। जानी चाचा, जॉनी से ज्यादा गुस्सा जॉनी को आता है, और ईमान से अगर मुझे गुस्सा आया था ना तो जिसने डंडा मारा था उसको एक टांग पर खड़ा कर देता। अब जॉनी काल मेरे काल में शहर है ये। अरे बोलो मेरे बच्चों, अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तुम दोनों ने कल से जाना है।
बड़े बड़े आशिक देखे मैंने, लेकिन तेरे जैसा बावला आशिक नहीं देखा। चलता किस कर दस 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 दिल भर के दिल की कुंडी कर गए चोरी भी करते निशानी भी छोड़ जाते। चोरी इसलिए की थी कि मैं अपनी आमद का निशान छोड़ना चाहता था, और निशानी इसलिए छोड़ी थी कि अपनी पहचान करवाना चाहता था। इसलिए कि तुम्हारी कोई जरूरत कैसे हुई? प्यार जरूरत का दूसरा नाम है, और मैं आज से नहीं बरसों से तुम्हें प्यार करता हूं। अभी तुमने तुम्हें पकड़वा दू तो क्या होगा? तुम अगर मुझे सूली पर भी चढ़ा दो तो उसमें करूंगा। तुम्हें ये बात है मुझे अच्छी लगी, लेकिन इंसान को प्रगति की हद तक बहादुर नहीं होना चाहिए। अब तुम जाओ, कल मेरा इंतजार करना। नहीं, कल तो नहीं, मैं आऊंगी। घर में कोई मर्द भी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि घर में कोई चोर घुसाया। अरे चोरी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम लोगों को बहुत देर में खबर हुई, वो तो सब कुछ चुरा कर भी ले गया। से मिलूंगा और तुम अपने टोली।
ना आइए डैडी 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 नहीं जानी मेरे दोस्त थे और मैं इनसे प्यार करती हूँ डैडी कोई फैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुन लो ये मेरी पहली और आखिरी पसंद है जेरी तुम कौन होती हो इसको पसंद करने वाली अभी हम जिंदा हैं मकाती अंकल उस इलाके में रहने वाले आप लोग को जानते हो जी मैं मेरे बाबा तुम बबलू के बेटे हो बचपन सीखना है जो हमारे दुश्मनों के पास है निंजा जिसकी वजह से पहली बार मेरे बाबा को शिकस्त हुई भगत के बेटे तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई जी मुझे भी खुशी हुई मगर किन्नी ऐसे दुश्मन को जिसको तूने देखा ही नहीं देगी तो पहचानेगी कैसे उसके खून से अपने बदन के अंदर जलने वाले इंतकाम की आग से पहचानेगी मामा किन्नी किसी दिन इस इंतकाम के चक्कर में अपने चेहरे से अपनी असलियत का नकाब नहीं उठा देना अगर देवव्रत को इस राज का पता चल गया तो कयामत आ जाएंगी नहीं मामा करामत तो उस दिन आएगी जिस दिन मेरा नाजायज पाप मेरे सामने आएगा पब्लिक के बेटे का मिल जाना हमारे लिए गुड लक है मताजी यस अफकोर्स अंकल पब्लिक ने उसे यहाँ फौलाद बनने के लिए भेजा है हम उसे लाश बनाकर भेजेंगे और हाँ एक बात और ख्याल रखना चेरी जाने से मिलने न पाए हमने उसके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है ये तो मैं पूछती हूँ क्यों लगाई आपने पाबंदी इसलिए कि तुम्हारी पसंद हमें ना पसंद है लालाज के बाद हमारे हुक्म के बगैर घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी आप मुझे रोक नहीं सकते डैडी ये चोरी से मिले ना मिस चेरी आपसे मिलने आ सकती है और ना ही आप अंदर जा सकते हैं ये हमारे मालिक का ऑर्डर है पता नहीं पापा को क्या हो गया उनकी आंखें एकदम बदल गई हैं मैंने सुना तुम जेल भेज रहे मगर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी मैं आ रहा हूं चेरी रास्ते की हर दीवार गिराकर मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा नहीं तुम भी नहीं आना पहला बहुत सख्त है डैडी ने सबको हुक्म दिया है कि वो तुम्हें देखते ही गोली चला दे मैं तुम्हें इस तरह ले जाऊंगा कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा कल ठीक 12 बजे अपने बंगले की छत पर आ जाना
करो इमीडिएटली गो। टोनी कहाँ है बेटा? टोनी माँ, टोनी कहाँ है? अरे माँ, इधर तो देख। अरे बाबा ये टोनी नहीं है, कौन है? ये चरी है। हाँ और मैं से क्या 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 नहीं, मैं माँ से कह रहा था, माँ ये चरी है और मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार करता है? हाँ बाबा, इसका बाप हमारे रास्ते की दीवार बन गया था और मैंने वो दीवार तोड़ दी है और इसे भगा कर लिया। मुझे जानी मेरे बेटे टोनी को कहाँ छोड़ा है बेटा? मुझे इतनी अजियत मत दो, बता दो ना स्वीट हार्ट। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे मुंह से गलवा सकते तो गलवा लो। ओह देखो उगलवाने के तरीके तो मैं जानता हूँ, तेरी हड्डियां खुद ही बोल लेगी। चल यू ब्लडी फूल, आई तो उठाओ ना, मेरी जान की कहीं कमरिया टूट ना जाए प्लीज। Excuse me, sir. Boss wants to see you. Oh. Tata. Bye-bye. जा जॉनी तू ऐश कर, मैं इन लोगों को इसी तरह पागल किए रखूंगा। मैं तेरे को वापस छोड़ने नहीं जाऊंगा बाबा, तो मेरा प्यार है। ये प्यार नहीं है कि तू किसी की इज्जत को उनके लिए जिल्लत बना दे। मगर बाबा हम दोनों शादी करेंगे। नहीं नहीं, शादी इस तरह नहीं होगी मेरे बच्चे। पहले तुझे इसे वापस छोड़कर आना होगा। बाबा वो बात मुझसे मत कहो जो मैं नहीं कर सकता। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजरों में? अरे उस बात की क्या इज्जत रह जाएगी जिसकी तू
देश की भला करने आया है। वो बाप अच्छा बाप नहीं है बाबा, जैसा भी है बाप तो है कमबख्त, बेटी का बाप। बाबा मैंने फैसला कर लिया कि चेरी वापस नहीं जाएगी। तूने फैसला कर लिया है, फैसला? अरे तू कौन होता है फैसला करने वाला? तू मेरा बाप है, दादा है, मालिक है, खुदा है, क्या है, क्या है तू? बाबा देख कौन या ना ने मुझे जवाब दे, इसे वापस छोड़कर आएगा या नहीं बोल। ये जरूरत भी हो गई है कि तुम मुझे ना कहे अपने बाप को, बाप को अरे शहर की गंदी हवा लग गई है तुझे, बहुत ताकत आ गई है तुझमें। अभी निकाल दूंगा तेरी ताकत, अभी निकाल दूंगा तेरी सारी ताकत। वापस छोड़ने जाएगा या नहीं? नहीं इसे वापस छोड़ने जाएगा या नहीं? मामा मामा एक मत मानो, खुदा के लिए मामा एक मत मानो, मत मार। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, अगर ये यहां से ना गई तो मैं सब दिल मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सूरज डूबने से पहले ये इस लड़की को इसके मां बाप के पास छोड़कर नहीं आया तो फिर तू जिंदा नहीं देखेगी इसको। मां तेरे आगे हाथ जोड़ती है, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बहुत पहली बार तुझसे ख्वाहिश करती है। खुदा के लिए तू भी वो ना कहना जो बाबा ने कहा है। मुझे वो जवाब ना देना जो बाबा को दिया है। तुझे मां की मोहब्बत की कसम है बेटा, इस लड़की को उसके घर छोड़ा, मैं तेरे पांव पड़ती हूं। जरी को मैंने अगवा किया था, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, जो सजा देनी है मुझे दीजिए। तुमने अपने बाप से सजा पा ली है, अब मेरी बारी है। दीदी कुछ नहीं कहना, हमने फैसला कर लिया है। क्या दीदी? यही जो हम तुम दोनों की शादी कर दें। हालात और वक्त का तकाजा नहीं है, तुम्हें हमारा फैसला मंजूर है लगभग रखे बजे। जी सोच लो,
मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कोई बात नहीं, पट्टी लेके आपको फिल्म देखो। हमेशा बबरक के इन हाथों ने काटना सीखा है, मगर आज न जाने खुद कैसे कट गए, समझ नहीं आई। पट्टी की क्या जरूरत है? मामा इतना खून निकल गया, मैं पट्टी करती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मामूली करो। छोड़, तुम्हें ऐसा चलते सही, बाबा को मैं समझाऊंगा।
बाबा को समझाने का वक्त गुजर गया तो नहीं, उसे कह देना कि उसके दिए और उसके जख्म जब मेरे बदन से मिटेंगे तो मैं उससे एक दिन मिलने के लिए जरूर आऊंगा। मां को मेरा प्यार देना और कहना कि बाबा ने तुम सबको मुझसे छीन लिया है। जाने से पहले गले तो मिलता चल साधन
वेल डन माय सन, वेल डन। आज तुमने अपने वफादार होने का सबूत दे दिया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। बहुत बड़ी पार्टी में हम तुम्हारी शादी का ऐलान करेंगे। क्यों? तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। गुड, गो एंड रिलैक्स। थैंक यू। मका जी। यस अंकल। जैसे ही बबरे के मरने की इतला मिले, इसको भी खत्म कर दो। मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मत बांधो पट्टी, मत बांधो। अरे नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, नहीं चाहिए ये जिंदगी। अरे रिसने दो इन जख्मों को, रिसने दो। ये जख्म तो भर दोगे, लेकिन वो जख्म कैसे भरोगे जो एक बेटे ने बाप के कलेजे में लगाया है? मान ली, नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, नहीं चाहिए। मान ली, ये औलाद क्या चीज है? मेरा जानी मुझसे पिछड़ गया, मेरा जानी मेरा दुश्मन हो गया, मेरा जानी बागी हो गया है। दुश्मनों को वार का जवाब देने। दुश्मनों को पहचानते भी हो? पुराने दुश्मन को नहीं जानता, लेकिन मैं दुश्मन को पहचानता हूँ। दुश्मन तो वो मेरा भी है, लेकिन मैं उसे अपनी ही दूंगी। मरेगी तो जिसने बाप से बेटा, भाई से भाई और मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। जॉनी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम दो दिन से कुछ परेशान हो जानी, मेरे साथ होते हैं लेकिन लगता है मेरे साथ नहीं हो। कहां क्यों रहते? कहीं नहीं, मेरा तो एक एक सांस तुम्हारे साथ है। ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ छुपा रहे हो। जॉनी बताओ ना, क्या बात है? सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे अपना आप भी खोना पड़े तो ये कम नहीं। ओ जॉनी, मैं कितनी लकी हूं। टोनी, टोनी, तुम यहां शहर में? बाप का दुश्मन आसमान पर भी होता तो मैं उसके वार का जवाब देने वहां भी पहुंच जाता। क्या कह रहे मेरे भाई? भाई जिसके खून ने तुझे मेरा भाई बनाया है, जब तू उसे बाप नहीं मानता तो मैं तेरा भाई कैसे हो सकता हूं? समझा नहीं? तू दुश्मन है मेरा भी और मैं बाप का भी। समझा नहीं? तूने इस लड़की की खातिर अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है, लेकिन मैं अपने बाप की खातिर ऐसी लाखों लड़कियों पर थूकने की जरूरत रखता हूं। कुछ ऐसे हजारों भाइयों को अपने बाप पर कुर्बान कर सकता हूं। बुला उन लोगों को अपनी मदद के लिए जिन्होंने नादम से टसवा कर तुझे जहरीला बना दिया है, लेकिन याद रखना जॉनी, आज मैं इस नागन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन चाहता कि तट पर मैं हाथ उठाऊं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं तुझ जैसे नाफरमान को हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा दूं, और मैं ऐसा करके रहूंगा। मैं कहता हूं तुम्हें अपना हाथ रोक ले। मुझे सिर्फ तेरे सांस रोकने हैं जॉनी। मैंने तुझे तीन बार समझाया लेकिन तू नहीं माना। तो नहीं, अब तू अपने आप को संभाल। जानी,
तो मेरी जुबान बंद नहीं कर
का सुहाग बनता है। चाहे वो लाड को खुशियां मिलती है तो नजायज को ठोकरे, चाहे वो लाड को फूलों की सेज मिलती है और नजायज को आग, नफरत की आग, कुल्लत की आग, दौलत की आग, आग ही आग। I'm sorry, ladies and gentlemen. Please sit down, sit down. खुशी की इस महफिल में थोड़ी देर के लिए नागवार फिजा छा गई। आप सबको इकट्ठा किया गया अपनी बेटी को दुआएं देने के लिए। आज मैं इसकी शादी का ऐलान करने वाला हूं। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी बेटी की शादी मकाती से तय कर दी। कि मेरा नाम मौत है और मौत को कोई कैद नहीं कर सकता। जाओ। जॉनी, तूने मेरे बाप को बहुत दुख दिए हैं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरी लाश लेकर ही जाऊंगा। तुम क्या? मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जब सारे रिश्ते तोड़कर मैंने आपको मुंह मांगी कीमत दी थी तो आपने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? चेरी के नाम के साथ किसी और का नाम क्यों जोड़ा आपने? इसलिए कि हमने सोचा जो अपने बाप का ना बन सका वो हमारी बेटी का कैसे बनेगा। खून का रिश्ता तोड़ने वाला कागज के रिश्ते को क्या पा सकेगा? आज कितने अकेले कितने बेबस हो तुम। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सिर्फ एक रास्ता खुला है जिस पर चलते हुए तुम फिर से चेरी को हासिल कर सकते हो। लेकिन आप तो चेरी की शादी का ऐलान कर चुके हैं। चेरी की शादी का ऐलान हो गया तो क्या हुआ? हम दूसरे में कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत देना पड़ेगी। जानते हो वो कीमत क्या है? बब्बर का दिल। जाओ अपने बाप का दिल उसके सीने से नोच दो और हमारे कदमों में फेंक दो। कोई गोली नहीं चलेगी। इसकी जिंदगी हमारे लिए कीमती है। बेटे की जिंदगी बाप की जिंदगी के लिए मौत का फंदा बनेगी। चितरा, बाप की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे बाप के लिए मौत का फंदा नहीं बन सकती। पहले तब दो बेटे हो गए। तुमने कीमत
हो गई बद्र की जिंदगी की। लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, इन सबको मिलेगी। और अगर इन सबको कोई मौत से बचा सकता है